से हमकिनार करे। आमीन। कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मौजूद सामीन अब परेड कौमी नारा लगाएगी और इसके बाद कौमी तराना बैंड की धुन में पेश किया जाएगा। आपसे इल्तमास है कि जब कौमी तराना पेश किया जाए तो एहतरामन खड़े हो जाएं और बाहवर्दी हजरात सल्यूट करें। कौमी नारा लगाएगा पाकिस्तान। जुबां को हम के नकमों से गुलफिशां करके, जबी को शुक्र के सजदों से अर्जमन करके, सफ़ें दुरुस्त रखो हौसले बुलंद रखो, हर एक मकाम नजर से नजर बुलंद रखो। जल्दी जल्द से सलामी चलेगा जरूर पठान आगे मिला चल तेरी कतार में ताला पड़ेगा ताला। हम हैं मुसलमान मोहम्मद के घर आने वाले, परचमे हैदर कर्रार उठाने वाले, मैदान जंग की तौकीर बढ़ाने वाले, वैरत लश्कर शादमानी के जज्बात रखता है। पास आउट होने वाले जवानों के चेहरों पर कामयाबी की चमक और दिल में गाजी या शहीद होने की उमंग है। ये नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। पाक फौज के जरीद जवानों हमें फख्र है तुम पर, ए पाक फौज के बहादुर सपूतों हमें नाज है तुम पर। तुम इसी शान से और आन से हमारा परचम बुलंद रखना और वतन अजीज की तरफ बढ़ने वाले हर कदम को नेस्त व नाबूद कर देना। ये सरबतफ मुजाहिद, ये सफ शिकन सिपाही, ये फख्र मुल्क व मिल्लत, ये अजमतों के राही, ये शौक सरफराजी अंदाज फातिहाना,
आसमां और दुनिया इस बात की गवाही। का खेल पहले कोर ऑफ सिग्नल्स पेश किया करती थी, लेकिन 1961 में जब मिलिट्री पुलिस के नौजवानों ने इस खेल में कदम रखा तो उन्होंने कुछ ही अरसे में अपनी महारत का लोहा मनवा लिया और अटक के मकाम पर एक अस्करी तफरीही मेले के दौरान कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, सिविल पुलिस और कोर ऑफ सिग्नल का मुकाबला कराया गया, जिसमें मिलिट्री पुलिस के जवानों ने हैरतअंगेज कमालात दिखाकर यह मुकाबला जीता। उस वक्त से लेकर अब तक मुख्तलिफ तकरीबात में आवाम की तफरीह तबाह के लिए हमारे जवान इन भारी खतरनाक खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। लतीफ बोसन कर रहे हैं, सूबेदार मेजर अब्दुल लतीफ बोसन 1974 से इस टीम में शामिल हैं और 19 और हैरत अंगेज करतब मुतारिफ कराने का सेहरा भी सूबेदार मेजर बोसन के सर है। आज जो भी ट्रिक राइडर्स इस टीम में शामिल हैं उनको भी सूबेदार मेजर अब्दुल लतीफ बोसन की शागिर्दी का शर्फ हासिल है। इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड भी हासिल कर रखा है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी मोटरवे और हाईवे पुलिस की तरबियत के लिए इसी टीम का इंतखाब किया था। अभी यह दस्ता ग्राउंड में दाखिल हुआ। टीम आपके बाएं जानिब से ग्राउंड में दाखिल होते हुए यहां मैं ये भी बताता चलूं कि ट्रिक राइडिंग का यह मुजाहरा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कौमी त्यौहार के मौके में इसे हमेशा शामिल रखा जाता है। इस मरतबा भी 6 सितंबर के मौके पर रावलपिंडी में मुनक्किदा शो में ट्रिक राइडिंग टीम ने पहली पोजीशन हासिल की। का बाकायदा आगाज करेगी और आपके दाएं जानिब से ये हवलदार अनवर हैं जो मोटरसाइकिल पे फायरिंग करते हुए गुजर रहे हैं। रमजान प्लेट टैंकी का खूबसूरत मुजाहरा करते हुए तो लास्ट नायक इकरामुल्ला साइड स्टैंड का मुजाहरा करते हुए आपके सामने से गुजर रहे हैं। तो हवलदार इकबाल नमदार हुआ जाते हैं जो साइड फ्लाई का मुजाहरा करते हुए गुजर रहे हैं। 1995 से इस टीम में शामिल हैं। देखिए किस खूबसूरती और महारत से उन्होंने मोटरसाइकिल को काबू किया हुआ है और अपना बैलेंस भी कायम रखे हुए हैं। नाजरीन आपके बाएं जानिब से नायक मोहम्मद हाफिज हुसैन फ्रंट ड्राइव का मुजाहरा करते हुए लास्ट नायक अंसर महमूद चलते हुए मोटरसाइकिल पे लेटने का मुजाहरा
सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरते हुए राव अतीक सॉक्स का खूबसूरत मुजाहरा। देखिए किस महारत से उन्होंने मोटरसाइकिल पे अपना बैलेंस कायम रखा है। नाइक सलमान कैरियर स्टैंड का मुजाहरा करते हुए और अब वो सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहे हैं। कैरियर स्टैंड का एक खूबसूरत मुजाहरा। नायक रफीक आतिफ रियर कैरियर स्टैंड का मुजाहरा करते हुए 1990 से ट्रैक राइडिंग टीम में शामिल हैं। और ये देखिए सुबेदार मोहम्मद नसीर सीढ़ी पर मोटरसाइकिल के ऊपर एक सीढ़ी और उसके ऊपर बैठे हुए न सिर्फ अपना बैलेंस कायम रखे हुए बल्कि अपना मुजाहरा मुकम्मल करते हुए। और ये देखिए ये हवलदार अनवर एक बार फिर आ गए हैं और ये मेरा ख्याल अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने मोटरसाइकिल पे ये ग्राउंड में दाखिल होने। नायक लियाकत अली और इस टीम के कैप्टन सुबेदार मेजर बोसन प्लेट टैंकी का मुजाहरा करते हुए आपके सामने से गुजर रहे हैं। एक मोटरसाइकिल अगर आप अपने बाएं जानिब निगाह करें तो लास्ट नायक रमजान और अमीर अली साइड स्टैंड का मुजाहरा करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे हैं। ये देखिए नमदार हुए और साइड फ्लाई का खूबसूरत मुजाहरा बहुत खूब से एक बार फिर सुबेदार नसीर और उनकी टीम। ये देखिए मोटरसाइकिल सीढ़ी दो जवान सुबेदार नसीर और उनकी टीम खूबसूरत मुजाहरा। और अब आपके दाएं जानेब से नायक अतीक और लास्ट नायक रफीक फ्रंट ड्राइव का मुजाहरा करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे हैं। आपके बाएं जानेब से बहुत खूबसूरत मुजाहरा इस मंजर आपका मुंतजर है। ये देखिए सुबेदार नसीर एक बार फिर सुबेदार नसीर और उनकी टीम घूमते हुए सीढ़ी के ऊपर घूमते हुए एक और खूबसूरत मुजाहरा। आपके सुबेदार मेजर अब्दुल लतीफ बोसन और हवलदार मोहम्मद इकबाल जमी का खूबसूरत मुजाहरा। देखिए मोटरसाइकिल के ऊपर दोनों सवार और किस खूबसूरत और ये अनवर एक बार फिर नमूदार हुए हैं। ये ड्रिल भी मोटरसाइकिल ही के ऊपर करते हैं। ये देखिए मोटरसाइकिल के ऊपर ड्रिल करते हुए हवलदार अनवर। अब आपके बाएं जानेब से एक मोटरसाइकिल के तीन जवान प्लेट टैंकी का एक और खूबसूरत मुजाहरा। देखिए इस रिंग का क्या मकसद निकलता है। और आप नायक नसीर और इकरामुल्ला फ्रंट फ्लाई का मुजाहरा करते हुए आपके सामने से गुजरे हैं। अतीक रफीक और शफीक साइड स्टैंड का खूबसूरत मुजाहरा। और आपके दाएं जाने से नायक खादम हुसैन मुर्तजा और रमजान फ्रंट ड्राइव का मुजाहरा करते हुए। सुबेदार नसीर और उनकी टीम अपनी चार जवान एक मोटरसाइकिल और सीढ़ी के ऊपर घूमते हुए सुबेदार नसीर और उनकी टीम बहुत खूब बहुत खूबसूरत मुजाहरा।
और अगर आप अपने बाएं जाने निगाह करें तो एक मोटरसाइकिल पे 5 जवान फूल बनाते हुए, ये देखिए किस महारत के साथ फूल बनाने का मुजाहरा किया। ये देखिए ये हवलदार नसीर ने पीटी भी इसी मोटरसाइकिल पे शुरू कर दी है, लगता है सारा दिन वो इसी के ऊपर गुजारते हैं। और आपके दाएं जानिब से एक बार फिर सूबेदार नसीर और उनकी टीम, 6 जवान एक मोटरसाइकिल सीढ़ी के ऊपर, बहुत खूबसूरत मुजाहरा। अपने बाएं जानिब निगाह करें तो 2 मोटरसाइकिलों के ऊपर 7 जवान अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। ये फिजिकल फिटनेस का एक खूबसूरत मुजाहरा। सामने इवेंट का तहयुल ये है कि किसी इमरजेंसी में एम्बुलेंस या स्ट्रेचर में असर न होने की सूरत में जवान को मोटरसाइकिल पर बांध कर ले जाया जा सकता है। और ये देखिए उन्होंने रिंग को आग दिखानी शुरू कर, और ये हवलदार अनवर, लगता है इनका मोटरसाइकिल आगे भाग पड़ा है और ये उसको पकड़ने की पूरी कोशिश कर, और ये आखिरकार हमारे सामने मौजूद रिंग के ऊपर अब आग लगा दी गई है। और ये तमाम लोग बैठे हैं, ये जरूर किसी के इंतजार में, हम भी इनके साथ मुंतजर हैं। और ये देखिए इस टीम के टीम कैप्टन सूबेदार मेजर अब्दुल लतीफ होसन, आग से गुजरने का खूबसूरत मुजाहरा, आग के गोले से गुजरने का एक खूबसूरत हैरतअंगेज मुजाहरा। और ये आप देखें कि किस खूबसूरती और महारत के साथ तमाम जवानों ने कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस का झंडा उठाया हुआ। और ये लगता है मोटरसाइकिल चलाने से तौबा कर ली है अनवर ने, तौबा कर रहे हैं। टेक राइडिंग टीम ग्राउंड में दाखिल होते हुए, नाज़रीन अब एक और हैरतअंगेज मंजर इनके टीम कैप्टन सूबेदार मेजर अब्दुल लतीफ बोसन 14 जवानों के लेटे हुए ऊपर से मोटरसाइकिल गुजारने का मुजाहरा करेंगे। ये देखिए ये अनवर ने तमाम लोगों को लेटाना शुरू कर दिया है, ये सब लोगों को लेटा रहे हैं और खुद भी लेट गए हैं, और खुद भी लेट गए हैं। और ये तमाम मंतजर हैं। और ये देखिए अनवर भागने में कामयाब हुए, सूबेदार मेजर अब्दुल लतीफ हसन 14 जवानों के साथ नहीं जान भी ले लेता है, सर की बाजी। में 5 मोटरसाइकिलों के ऊपर 27 जवान सवार होंगे। और ये देखिए ये अनवर ने दोबारा मोटरसाइकिल पे बैठे हैं और डांस करते हुए हमारे सामने से बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं, लगता है इनके ऊपर 5 मोटरसाइकिलों के ऊपर 27 जवान पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी और कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस का झंडा लहराते हुए आपके सामने से गुजरेंगे। आप अपने दाएं जाने निगाह करें तो यह हैरतअंगेज मंजर आपका मुंतजर है। मोटरसाइकिलों के ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी और कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस का झंडा उठाए पेप राइडिंग टीम, आसमानों पहाड़ों को हिलाने वाले। और अब आखिर में ट्रिक राइडिंग टीम, नाज़रीन आपके सामने से अपने टीम कैप्टन की क़यादत में सलामी के सबूतों के सामने से भी पेश करते हुए गुजर रहे हैं। और ये अनवर लगता है पीछे रह गए हैं, आप लोगों को खुदा हाफिज कह रहे हैं, टीम से बिछड़ गए हैं और
खुदा हाफिज कहते हुए दौरान ड्यूटी मिलिट्री पुलिस के जवानों को मुख्तलिफ किस्म के कसूरवारों संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद और मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। किसी भी हंगामी सूरत से निपटने की सलाहियत ही पुलिसमैन का खासा होती है। यही वजह है कि आज दहशतगर्दी हो या हंगामी सूरत हाल हो या जाती दफा, हर हाल में मार्शल आर्ट की अहमियत अपनी जगह मुकद्दम है। मौजूद सामईन, आपको बताता चलूं कि आज इस मार्शल आर्ट्स के मुजाहरे में तमाम नौजवान जो शरीक हो रहे हैं वो इसी कोर्स बेसिक मिलिट्री पुलिस 99 के हैं, जो अपने मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर ब्लैक बेल्ट लांस नायक इमरान शाहिद की क्यादत में ग्राउंड में दाखिल हो चुके। इमरान शाहिद ने अनआर्म कॉम्बैट कोर्स में पहली पोजीशन हासिल की और अब यहाँ इंस्ट्रक्टर के फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में ब्लॉक किक और होल्ड टैक्टिक्स का मुजाहरा आप देख सकेंगे। स्टेट पंच आपके सामने मार्शल आर्ट्स टीम के जो शीले निजाम दुश्मन का पंच बरसा रहे हैं। डबल पंच फिंगर अटैक का खूबसूरत मुजाहरा जिसमें मुखालिफ की आंखों में वार किया जा रहा है। एल्बो स्ट्राइक दुश्मन की कनपट्टी पर हमला करने का मुजाहरा। इनवर्ट चॉप अटैक एल्बो स्ट्राइक जिसमें कमरे के मुख्तलिफ तरीकों से मुखालिफ पर हमला कर रहा है। अब आप मुख्तलिफ किक्स का मुजाहरा देखेंगे। फ्रंट स्ट्रेट किक का मुजाहरा जिसमें मुखालिफ पर किक के जरिए सीधा वार किया जाता है। फ्रंट स्नैप किक मुखालिफ के जिस्म पर किक के लिए वार करना। और ये इन टू आउट सर्कल के मुखालिफ पर बाहर से अंदर की तरफ किक लगाकर हमला करना। डिफेंस नेक होल्ड्स के बारे में देखेंगे। जिसमें एक जवान दूसरे जवान का गला दबा रहा है और वो उसके खिलाफ मुजाहमत कर रहा है। रियर नेक होल्ड और दूसरा जवान अपना दफा कर रहा है। रिस्ट लॉक का मुजाहरा जिसमें एक जवान मुखालिफ को गरेबान से पकड़ रहा है और दूसरा गरेबान छुड़ाने की टैक्टिक्स लगा रहा है। और अब आप मुख्तलिफ टेक्निक्स देखेंगे जिनमें सबसे पहले नाइफ डिसआर्मिंग टेक्निक। इस टेक्निक में दो जवान एक जवान पर छुरी से मुख्तलिफ तरीकों से हमला करते हैं और वो जवान अपने दफा में जवाबी कार्रवाई करता है। ये देखिए छुरी से हमला किया दूसरे जवान ने उसी पर, वो अपना दफा कर रहा है। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती और जिसके जवान खुदी
सूरत फौलाद। ये देखिए, इस जवान ने अपने मुखालिफों को बिछाड़ दिया। और अब आप हाई जंप स्नैप किक का मुजाहरा देखेंगे, जिसमें एक जवान जंप लगाकर स्नैप किक से लकड़ी का ब्लॉक तोड़ने का मुजाहरा करेगा। बहुत खूब। और अब आप जूडो फाइट का मुजाहरा देखेंगे, जिसमें दो जवान आपस में मुख्तलिफ दाव पेच लगाएंगे। जूडो फाइट का खूबसूरत मुजाहरा। और ये जूडो फाइट में जवान ने अपने दुश्मन जाहरा देखेंगे, जिसमें तीन जवान बैक वक्त जंप लेकर तीन बल्लों के ऊपर से साइड किक से लकड़ी के ब्लॉक तोड़ने का मुजाहरा करेंगे। झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। मिस्टर डिसार्मिंग की टैक्टिक्स का मुजाहरा कर रहे हैं। ये देखिए, उसने सुन लिया। फ्रंट रोल फ्रंट किक का मुजाहरा, इसमें पांच जवान किक के साथ लकड़ी के मजबूत ब्लॉक्स तोड़ने का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि दो जवान मट्टी की परात तोड़ने का मुजाहरा करेंगे। अब ये मट्टी की प्लॉट। अगर कोई जवान दुश्मन के कब्जे में चला जाए तो वहां से भागने का क्या तरीका होगा, आप देखेंगे कि दो जवान जिनको दुश्मन ने अपने काबू में कर लिया है, वो कैसे दुश्मन से पीछा छुड़ाकर भागेंगे। ये दुश्मन इन दोनों जवानों को ले जा रहा है, ये इन्होंने दुश्मन पर हमला कर दिया। बहुत खूब, दुश्मन से भागने का बहुत खूबसूरत मुजाहरा। फ्रंट किक एंड पंच का मुजाहरा, इसमें एक जवान पंच एल्बो और किक के साथ लकड़ी के ब्लॉक और मट्टी की परात तोड़ने का मुजाहरा करेगा। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत मुजाहरा। आइए।
आई एस ड्यूटी के दौरान अगर किसी जवान को सिविल एरिया में कोई शख्स छुरी से हमला कर दे तो वो कैसे अपना दफा करेगा? ये देखिए, ये इस जवान ने उस पर काबू हासिल किया। एक खाली हाथ जवान दो जवानों के साथ अपना दफा करेगा? ये दो मुहालिफीन एक जवान पर हमलावर है। ये इस जवान ने कामयाबी हासिल की जिसमें दो जवान डंडों से एक दूसरे पर मुख्तलिफ तरीकों से वार करेंगे। स्टिक के जरिए एक दूसरे पर हमला करने का मुजाहरा। अपने मुखालिफ को मुकम्मल तौर पर जेर करने की कोशिश और इसमें और अब आप राइफल काटा का मुजाहरा देखेंगे जिसमें 12 जवान बयक वक्त राइफल से ब्लॉक बिनेट और बट मारने का मुजाहरा करेंगे। राइफल काटा का खूबसूरत मुजाहरा। बहुत खूब, और ये जवान सर के साथ इन्हीं इंटों को तोड़ने का मुजाहरा कर रहा। बहुत खूब, ये बेसिक फॉर्म 2 का आता है जिसमें डाउन ब्लॉक और पंच इस्तेमाल करने का। और इसके साथ ही सर शॉल वगैरह सर।
चलाते हैं सर, तो लास्ट पे सर टू मंथ लास्ट पे सर हम टीम निकालते हैं, तो वो ड्रिल भी स्टार्ट करते हैं, ये कराटे भी करते हैं सर, तो उसके बाद हम इनको सर और पता जैसे उसके बाद सर इनको मैं जाते सर कोर्स वगैरह करते हैं सर। और कितने महीने इनका लेवल लाहौर में बहुत क्लब होती है, लेकिन मिल जाना अगर तुम्हारे पास क्लब भागना पड़ता है तो काफी फिक्र हो तो बहुत अच्छा क्लब है ये सर। सीखोगे ये अच्छी चीज है, सुधर के रहने वाले उधर तो लोग ये थी उधर तो बंदूक सी, अगर ये ज्यादा बेहतर है उससे सही बात है। ये क्या है, ये आपकी प्लेटून का रंग है? ये ग्रीन तुम्हारे हाथ तुम्हारे जिसम से भारी है, किधर के रहने वाले? कितनी बड़ी है छोटी किधर के रहने वाले? किस जगह? आप इसको 20,000 15,000 बहुत अच्छे भी कब से आप ठीक इसमें और आप कब से हो इसमें? 1993 डर नहीं लगता जहाँ पर? अच्छा अभी आदत हो गई है, और कितने अच्छे से हो उधर भी मौका मिलता है कब से ये काम कर रहे हैं? इंडिविजुअल इनाम मिलना चाहिए।